हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हमारे इंडेक्सेस कैसे ट्रेडिंग परफॉर्म करने वाले, साथ ही कौन से स्टॉक्स हमारे अच्छे परफॉर्म करेंगे, और साथ ही हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल कैसी फिन निफ्टी एक्सपायरी हो सकती है, कल के हमारा जैकपॉट लग सकता है, डिस्कस करें सारे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है अगर आप देखेंगे, और हमने टाइम फ्रेम यूज़ किया 15 मिनट्स। फ्रेंड्स पिछले काफ़ी वीक्स अगर आप देखें ध्यान से, तो हमने एक रेंज बनाया हुआ है मार्केट में। बहुत ही सिंपल सा रेंज था, ये अपर रेंज और ये लोअर रेंज, और ये मिडिल रेंज है, और आप देखेंगे मार्केट अभी भी उसी रेंज में है अटका हुआ। दैट मीन्स कंप्लीट सेलर का मार्केट हो रखा है, अभी भी लास्ट वीक भी सेलर का मार्केट और इस वीक भी सेलर का ही मार्केट आपका हो रखा है। नाउ अभी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देख रहे हैं, आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया, परफॉर्मेंस अच्छा किया। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो बाइंग प्लान करेंगे, लेकिन गैप अप हो गया, गैप अप होना डायरेक्ट सेल ऑफ आया, और यहाँ पे एसएल हंटिंग इतनी ज़्यादा हुई जिससे लोग काफ़ी परेशान हुए। फिर मार्केट ने इसको सपोर्ट बना के फिर से मार्केट वापस आके इसी लेवल पे क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट जो जहाँ ओपनिंग हुई थी और उसके आसपास ओपे आपको क्लोज हुआ, यानी 44,500 के ऊपर क्लोज हुआ, जाकर काफ़ी क्रूशियल लेवल है। क्लियर? अब कल के लिए इंपॉर्टेंट सेशन क्या है कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है या किसी भी सिनेरियो में अगर ये हाई को आज के डे हाई को क्रॉस करता है, यानी कि आज के डे हाई को क्रॉस करता है, देन हम एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये लेवल होने 44,800 का फर्स्ट लेवल, और सेकेंड लेवल हमारा 44,950 का लेवल। अगर इसके ऊपर निकलता है फिर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, जो इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी बड़ा मूव फिर हम देख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मस्ट बी लो, ध्यान रखिए क्वांटिटी हमेशा लो रखिए, ज़्यादा क्वांटिटी मत अभी प्ले करिए जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक ना कर दे। बात करते हैं सेलिंग साइड की, अगर मार्केट अगेन इसके नीचे जाता है 44,400 के लेवल के नीचे, तभी आपको सेलिंग की प्लानिंग करनी है। ध्यान रखिएगा इसके नीचे आएगा तो सेलिंग की प्लानिंग करनी है, लेकिन सेलिंग क्योंकि ऐसा हंटिंग हो रहा है तो प्रॉपर आपको वेट करना, मार्केट नीचे आए फिर वापस मार्केट रिट्रेस करे, देन अगर मार्केट निकलता है देन आपको सेलिंग प्लानिंग करनी है। टारगेट आपका 44,000 तक का टारगेट आपका, या इस लेवल तक का टारगेट आप यहाँ पे देख वॉच आउट कर सकते हैं। बीच में अगर मार्केट कहीं गैप अप गैप या बीच में ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास ओपन होता है, कोई ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, मार्केट आपका जिग जैग करता रहेगा दोनों अपर साइड लोअर साइड में, तो इस केस में आपको नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे आपको जबरदस्ती ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर? आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल सारे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे ना। बट डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी कैसे ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। निफ्टी का ट्रेड जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले काफ़ी इजी था आज का। अगर आप ध्यान हो कलम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट जो है इसके ऊपर निकलेगा तो हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, टारगेट हमारा समय अराउंड यहाँ तक टारगेट होने वाला हो, लेकिन अगर आप देखें गैप अप ओपन हो गया और गैप अप होने के बाद डायरेक्टली यहाँ सेल ऑफ आ गया, सेल ऑफ आकर जो ये गैप अप हुआ था इस रेंज को उसने फिल किया और वहाँ सपोर्ट बनाकर वापस लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर गया। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लाइन है या ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको आवर्ली चार्ट में, अगर आप देखेंगे आवर्ली चार्ट देन आपको देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की लाइन है जहाँ पे जाकर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अगर इसको ब्रेकआउट करती है, ध्यान रखें अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो देन आपको इमीडिएट आपको टारगेट जो मिलेगा 19,600 का टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिलने वाला, मतलब छोटा सा पॉइंट आपको 30-40 पॉइंट्स का मूव देखने वाला मिलने वाला है। अगर इसके ऊपर निकलेगा फिर मार्केट तो एक अच्छा सा मूव आपको यहाँ पे 19,720 के आसपास का मूव आपको देखने को मिल सकता है। कंडीशन क्या है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे तब आप निकले तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। चार्ट को आप 15 मिनट से कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? बात करते हैं सेलिंग साइड का। सेलिंग साइड में अगर मार्केट जो 19,500 लेवल को ब्रेक करके नीचे आता, ध्यान रखिएगा ये लेवल वॉच आउट करिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा बेस क्रिएट किया हुआ है। क्लियर? तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है, 19,500 के नीचे आना शुरू करता है, देन आप सेलिंग यानी पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका सिंपली इस लो तक का टारगेट, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, मतलब आपको 50 पॉइंट्स का, मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं केवल आपको स्कैल्पिंग का ही ट्रेड मिलने वाला है। क्लियर? आपको बड़े टारगेट्स वाले ट्रेड नहीं मिले, बड़े टारगेट ट्रेड कब मिलेगा जब मार्केट पूरी इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा, तब आपको बड़ा टारगेट वाला ट्रेड मिले। तब तक टिल क्या करना, आपको स्कैल्पिंग के फोकस करना है, जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको प्रॉफिट को बुक करते रहिए, या आपने TSL को लगा प्रॉफिट्स को लॉक करते रहिए। क्लियर? ताकि आपको प्रॉफिट एक्चुअली बनता रहे। नाउ अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, यानी कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे देन मार्केट कहाँ तो जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा ये लेवल, उसके बाद फिर मार्केट बहुत ओपन, मतलब जो नेक्स्ट लेवल जो ऑल टाइम हाई का लेवल है इसके आसपास फिर मार्केट आपका निकल के चला जाएगा। क्लियर? तो फिर मार्केट आपको इस लेवल का ये आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में कंप्लीट सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, इसलिए मार्केट जो है ऊपर नहीं जा रहा बराबर, जब जा रहा सेलिंग आ रही, जब जा रहा सेलिंग आ रही, तो जब मार्केट हमेशा जब ऊपर जाता है तो मार्केट कंडीशन से ये होती है कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाता है हमेशा, मार्केट कभी मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, तो ये प्रॉपर एक पैटर्न है मार्केट को ऊपर जाने का। तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे फिबो टूल को यूज़ भी करेंगे तो अगर आप देखेंगे ये हमारा अगर स्विंग लो हो और ये स्विंग हाई है,
क्लियर। सिंपली आप देखिए जो रिट्रेसमेंट होता है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट का रेशियो क्या होता है 23.6 एंड 38.2% रिट्रेसमेंट का रेशियो होता है और गोल्डन आपका 50%। आप देखें रिट्रेसमेंट रेशियो से फिर से मार्केट रिवर्स हो गया तो सेम पैटर्न फॉलो होता है, क्लियर। इसलिए आप इस लेवल का जब चार्ट मार्क करें देखिए काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाले है। तो गाइस अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको लाइव मार्केट मिलते रहते हैं, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। लाइक अगर आप मैं आज का ट्रेड शो आपको शो करूँ तो जो लाइव जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप जुड़े हुए उनको लाइव मार्केट मैंने ट्रेड शेयर किया था, बैंक निफ्टी का लेवल शेयर किया था, कहाँ पे बाय करना है, क्या आपका टारगेट होने वाला है, और लास्ट में अगर जितने लोगों ने ट्रेड इसको देख के ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो उनको देखने को मिला होगा। अगर आप ध्यान देंगे लास्ट तक मार्केट ने कहाँ पे क्लोज दिया, अगर आप सोरे आएंगे तो मार्केट ने यहाँ तक क्लोज आपको दिया हुआ है, तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिला। तो इस तरह के ट्रेड्स की इन्फॉर्मेशन लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूँ, इससे आप काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तब तक ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं कल के एक्सपायरी कैंडिडेट्स के बारे में, दैट इज फिननिफ्टी। फिननिफ्टी एक्सपायरी की बात करते हैं तो देखिए फिननिफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोज हुआ है। अगेन अगर आप ध्यान देंगे फिर निफ्टी का भी जो लेवल सेम लेवल मार्क किए हुए हैं, ये आपके हाईज हैं फिर निफ्टी के और ये आपके लोज है फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी अभी तक इसी रेंज में फंसा हुआ है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। तो अगेन जो सेलर्स का डोमिनेंट है, सेलर को जब जब भी प्रॉब्लम होगी मार्केट इस रेंज को निकालेगा, ठीक है। अगर अपर रेंज को ये निकालता है, लोअर रेंज को निकालता है, तब आपको सेलर को मिलने वाला है। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको ध्यान रखना कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, और जो जैकपॉट ट्रेड जितने भी हीरो जीरो ट्रेड्स वाले हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है फिर आप हीरो जीरो ट्रेड ले लेंगे, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। और डाउन साइड में अगर निफ्टी इस फिर निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है देन आपको मिलने वाला, अदरवाइज यहाँ पर अगर मार्केट रहता है तो आपको साइडवेज रहेगा और केवल सेलर का रहेगा। तो यहाँ पे केवल सेलिंग ऑप्शन आप सी और पी को सेल करके आप पैसे बना पाएंगे, चाहे कोई स्ट्रेटजी बना लीजिए, कोई स्ट्रेटजी शॉर्ट कर लीजिए, जिससे आपको ये प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन जब अगर मार्केट एक लेग को निकालता है तो किसी साइड में उस दिन आपको अपने पोजीशंस को एग्जिट करना हो ताकि आपको लॉस ना हो, क्लियर। अगर आप बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की, ऑप्शन चेन डेटा हमारा इसमें क्या कर रहा है, तो सिंपली राइट इसको ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं। अगर इसको ऑप्शन चेन डेटा ओपन करते हैं तो लाइट से ऑप्शन चेन डेटा में सिंपल अगर आप पैटर्न देखेंगे तो सेम उसी लेवल पे 19,800 का जो लेवल, यहाँ पे 30 लाख का हुआ है और यहाँ पे 55 लाख का हुआ है। 19,850 पे आपको 51 लाख का हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे आप देखेंगे पुट राइटिंग 37, मतलब उतनी एग्रेसिव पुट राइटिंग नहीं हुई जितनी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है, ध्यान रहे ना। जर्मी अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग में बहुत तेज आने वाली है, इसलिए आपको इस बात का कल ऑप्शन चेन में जरूर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरी कॉल राइटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ एग्रेसिव पुट राइटिंग नहीं हो रही है इसके मुकाबले में, तो इसलिए ये आपको वॉचआउट करना होगा कल लाइव मार्केट ना। चलिए बात करते हैं कल कौन से स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं दैट इज वेदांता लिमिटेड। अगर आप ध्यान देंगे मार्केट ने लास्ट टाइम क्या हुआ था, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था, बहुत बैड न्यूज़ आया था, बैड न्यूज़ की वजह से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट एक रेंज में, बहुत अच्छे रेंज में कंसोलिडेट करा और ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न क्रिएट कर लिया है। तो कल अगर 244 ध्यान रखिएगा 244 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा कैंडिडेट है ये 260 तक जाने के लिए, ध्यान रखिए 260 जाने के बहुत अच्छा कैंडिडेट है, तो उसको अपने रडार पे आप जरूर रखिए। सारे मेटल स्टॉक बहुत ज़्यादा रडार पे हैं तो ये भी पीछे नहीं रहने वाला, इसको अपने रडार पे आप जरूर कल रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दैट इज थिरुमलाई केमिकल। सारे केमिकल स्टॉक बहुत सारा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इसमें बहुत सारा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे बहुत ही बड़े लेवल पर ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे लास्ट इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद इसमें वापस इस लेवल सस्टेन कर रहा है और वापस से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो कल ये 240 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा 240 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासी बाइंग का इंटरेस्ट इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो आराम से 2-3% का टारगेट आप इसमें अचीव कर सकते हैं सिंगल डेज में। नाउ बात करते हैं लास्ट स्टॉक की, दैट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बहुत अच्छी लेवल पे है, बहुत बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो काफ़ी बड़े लेवल की ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और मोस्टली इसने क्लियर अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो कल अगर ये 455 के ऊपर निकलता है, यानी 455 के ऊपर निकलता है या 440 के आसपास में मिलता है, दोनों ही केस में बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट आपका 2-5% का टारगेट आपको सिंगल डेज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़े लोगों का ब्रेकआउट ये होने वाला है। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब। हाँ जी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।